क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड और फोर्थ। तो क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल को। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। तो इसके हमें फैक्टर्स करने हैं, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसके फैक्टर्स होंगे। इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। तो ये है पॉलिनोमियल, मैंने इसे लिख लिया है px, यानी कि ये पॉलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल है एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो इसे हम करेंगे ट्रायल मेथड से। ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिया होता, वो क्या है यहाँ पर 2। और अगर हम 2 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 और 2, यानी कि 2 किस किस के टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में आता है या 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1 मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस वन जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अभी हमने कंफर्म नहीं है ये हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर ये x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो डिवाइड करने पर क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये x प्लस वन इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, ट्रायल मेथड है ये, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस वन इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस वन को दूसरी साइड शिफ्ट किया आ गया माइनस वन, तो x की वैल्यू माइनस वन इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल है p, x की जगह पर माइनस वन, उसके बाद x की क्यूब यानी कि माइनस वन की क्यूब माइनस में टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वेयर यानी कि माइनस वन का स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस एक्स, एक्स की जगह पर माइनस वन और प्लस में टू। अब देखते हैं माइनस वन की क्यूब, माइनस वन की क्यूब क्या होगा, माइनस वन मल्टीप्लाई में माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, उसके बाद वन वन जा वन और वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। माइनस वन की क्यूब होगी माइनस वन, उसके बाद माइनस वन का स्क्वेयर माइनस वन मल्टीप्लाई में माइनस वन, तो माइनस वन से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वन वन जा वन यानी कि माइनस वन का स्क्वायर आ गया वन, वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू। इसी तरह से ये माइनस में है ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा और प्लस में टू, ये टू एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करेंगे, माइनस वन माइनस टू दोनों माइनस में है तो ये ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा माइनस थ्री, और वन प्लस टू प्लस का थ्री, तो यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी कि इस थ्री में से हम इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा जीरो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमें मिल गया एक्स प्लस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो को रोक के। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम अब जो जो भी इसका फैक्टर आया है कंफर्म हो गया है उससे हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, ठीक है। एक्स प्लस वन इसका फैक्टर आ गया तो अब हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, डिवाइड करेंगे इस तरह से, ये है एक्स की क्यूब माइनस में टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस में टू, इसे हम डिवाइड करेंगे इसके फैक्टर से एक्स प्लस वन से, ठीक है। तो ये आ गया एक्स प्लस वन। अब हमें हमारे यहाँ पर x है, x को x क्यूब बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वेयर से। जब x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की क्यूब, और x स्क्वेयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, x स्क्वेयर ही रहेगा, ठीक है। माइनस करेंगे इसे x की क्यूब में से, x की क्यूब को माइनस करेंगे हो जाएगा 0, उसके बाद माइनस टू एक्स स्क्वेयर में से हमें माइनस करना है एक्स स्क्वेयर को, तो इस तरह से आप लिखें माइनस टू एक्स स्क्वेयर में से हमें माइनस करना है एक्स स्क्वेयर को, तो यहां पर दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पर आया हमारा, इनको सोल्व करने पर आया माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, और माइनस एक्स और प्लस टू एज इट इज यहां पर नीचे ले आएंगे। अब आगे यहां पर है माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर,
यहाँ पर है एक्स, एक्स को हमें बनाना है माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स को माइनस थ्री एक्स से, माइनस थ्री एक्स से हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर। उसके बाद माइनस थ्री से, माइनस थ्री से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस थ्री ही रहेगा, तो ये आ गया माइनस थ्री एक्स। ठीक है, अब फिर से माइनस करेंगे, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर में से माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर को माइनस करेंगे आ जाएगा जीरो, और जो ये माइनस एक्स, माइनस एक्स में से हमें माइनस करना है थ्री एक्स को, तो आप इसे इस तरह से लिखें, माइनस एक्स में से हमें माइनस करना है माइनस थ्री एक्स को, तो माइनस 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 हो जाएंगे प्लस, तो ये आएगा प्लस थ्री एक्स, और जो ये एक्स है इसको हम लेके आएंगे इधर माइनस में एक्स, तो थ्री एक्स में से, थ्री एक्स में से एक एक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टू एक्स, और यहां पर ये टू एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम एक्स को हमें बनाना है टू एक्स, तो एक्स को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करेंगे इसे टू से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो टू से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स, उसके बाद टू को, इस टू को वन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टू वन जा टू, टू एक्स में से टू एक्स को माइनस कर देंगे जीरो, और टू में से टू को माइनस कर देंगे तो भी जीरो। तो हमारा जो क्वेश्चन आया ये आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक फैक्टर हमें पहले से ही मिल चुका है x प्लस वन, जो हमने कंफर्म किया था रिमाइंडर निकाल के, अब जो दो फैक्टर्स और निकालने हैं वो निकलेंगे हमारे यहां से क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फोर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स किए थे उसी तरह से इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ये है, यहां पर क्लिक कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वेयर माइनस में थ्री एक्स प्लस में टू, तो यहां पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट क्या है वन, और यहां पर है टू, तो टू और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू, और टू के फैक्टर्स क्या होते हैं, टू के फैक्टर्स होते हैं वन मल्टीप्लाई में टू, वन मल्टीप्लाई में टू इसके फैक्टर हुए, तो इनको हम किस तरह से अरेंज करें कि हमें प्लस या माइनस करने पर माइनस थ्री एक्स मिले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हम वन और टू को माइनस वन एक्स माइनस में टू एक्स, दोनों अगर हमारे पास माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, माइनस और ये माइनस, साइन रहेगा माइनस का ही, और एक्स प्लस में टू एक्स, थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम माइनस थ्री एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस वन एक्स माइनस में टू एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें एज इट इज लिखी जाएगी एक्स स्क्वेयर, उसके बाद माइनस वन एक्स, वन एक्स की जगह हम सिर्फ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि वन जो है किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखा जाता, तो माइनस एक्स, और उसके बाद माइनस में टू एक्स, और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज टू ही लिखी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फोर में फैक्टर्स किए थे उसी तरह से करने हैं। अब यहां पर शुरू की दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहां पर एक्स दो बार है, एक कॉमन लिया जा चुका है तो एक अंदर बचेगा, माइनस का साइन एज इट इज, ये वाला माइनस का साइन ऐसा कैसा आ जाएगा, यहां पर एक एक्स है, एक एक्स हम कॉमन ले चुके हैं तो यहां पर बचेगा वन। इसी तरह से दूसरे वाले सेकेंड टू टर्म्स में से हमें क्या कॉमन लेना है वो देखते हैं, तो यहां पर टू है, यहां पर भी टू है। ठीक है, तो माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, माइनस टू कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वन। ठीक है, अब दो फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, एक्स माइनस टू लिख लेंगे, एक्स माइनस टू, एक फैक्टर ये हो गया एक्स माइनस टू, एक फैक्टर एक्स माइनस वन, दो फैक्टर्स ये हो गए। ठीक है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, और थर्ड जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये भी लिख देंगे एक्स प्लस वन, ये तीन फैक्टर्स हो गए इसके। ठीक है, अब है सेकंड, सेकंड है एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, इसको भी बिल्कुल इसी तरह से ट्रायल मेथड से सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस फाइव, या फिर हम कह सकते हैं फाइव। ठीक है, तो फाइव के फैक्टर्स क्या होंगे, वन और फाइव, तो यहां भी फैक्टर में हमारे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो इसको भी उसी तरह से हम मान लेंगे सबसे पहले कि एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन जो है ये इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो यहां से हम जो x की वैल्यू निकालेंगे इसमें पुट करने पर जीरो आएगा, अगर जीरो आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। तो चेक कर लेते हैं पहले, यहां से x प्लस वन इक्वल्स टू में रखेंगे जीरो, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन, माइनस वन जहां पर भी इसमें x है वहां पर पुट करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल है px। ठीक है, p x की जगह माइनस वन,
इक्वल्स टू में एक्स की क्यूब यानी कि माइनस वन की क्यूब, ठीक है, माइनस वन क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वेयर यानी कि माइनस वन का स्क्वेयर, उसके बाद है माइनस नाइन और माइनस नाइन एक्स है यानी कि माइनस वन और माइनस में फाइव एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस वन की क्यूब, तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने माइनस वन की क्यूब था, माइनस वन ही था, उसके बाद माइनस वन का स्क्वेयर, माइनस वन का स्क्वेयर होता है वन और वन को माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस थ्री ही रहेगा, उसके बाद है ये माइनस में नाइन, ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस और नाइन वन जा नाइन, उसके बाद है माइनस फाइव एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब जो माइनस माइनस वाली टर्म है, ठीक है, माइनस वन माइनस थ्री और माइनस फाइव, इन सभी को ऐड कर लेंगे लेकिन इनका साइन रहेगा माइनस में ही, ठीक है, तो माइनस का साइन लगा लेते हैं, उसके बाद वन वन थ्री और फाइव ये हो गया माइनस में नाइन और प्लस नाइन एज इट इज यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टर्म प्लस में है एक टर्म माइनस में, तो नाइन में से हम इस नाइन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा जीरो, यानी कि ये हमारा कन्फर्म हो गया कि एक्स प्लस वन जो है इस पॉलिनोमियल Px का फैक्टर है, ठीक है, एक फैक्टर तो हमें मिल गया x प्लस वन। अब बचे हुए दो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, x प्लस वन से इस पॉलिनोमियल को करेंगे डिवाइड, जहां से मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के नोट डाउन कर सकते हैं, तो x प्लस वन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे और जो भी हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा उससे इसे उसमें से दो फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, तो यहां पर ये है इस तरह से इसे एक्स की क्यूब माइनस में थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव, इसको डिवाइड करेंगे जो भी इसका फैक्टर आया एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन, अब यहां पर है एक्स, यहां पर एक्स की क्यूब, एक्स को हमें एक्स की क्यूब बनाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर से, जब एक्स स्क्वेयर से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वेयर से वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, तो प्लस में एक्स स्क्वेयर, माइनस करेंगे अब एक्स की क्यूब में से एक्स की क्यूब को माइनस करेंगे जीरो, उसके बाद क्या है माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, तो आप इसे इस तरह से लिख के कर सकते हैं माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर में से हमें माइनस करना है एक्स स्क्वेयर को, तो दोनों टर्म्स जो आई हैं वो माइनस में है यानी कि ये ऐड हो जाएंगे और साइन रहेगा माइनस का ही, तो थ्री एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, तो ये आ गया माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, उसके बाद ये दोनों टर्म्स को नीचे ले आएंगे माइनस नाइन एक्स और माइनस फाइव, अब हमारे पास यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, तो हमें एक्स को माइनस फोर एक्स स्क्वेयर बनाना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस फोर एक्स को माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, उसके बाद माइनस फोर एक्स से हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स ही आएगा, तो माइनस फोर एक्स, अब करेंगे इसे माइनस, तो माइनस फोर एक्स स्क्वेयर में से माइनस फोर एक्स स्क्वेयर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा जीरो, उसके बाद यहां पर क्या है माइनस नाइन एक्स, तो माइनस माइनस नाइन एक्स में से हमें माइनस करना है माइनस फाइव फोर एक्स को, ठीक है, तो फोर एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस फोर एक्स, और जो माइनस नाइन एक्स है इसको ले जाएंगे इधर, ये आ गया माइनस नाइन एक्स, फोर एक्स में से नाइन एक्स को माइनस करेंगे यानी कि छोटे में से हम बड़े को माइनस कर रहे हैं तो आएगा माइनस में फाइव एक्स, और ये फाइव जो है ये आ जाएगा नीचे माइनस फाइव, अब यहां पर है हमारे पास x, यहां पर है माइनस फाइव एक्स, तो x को हमें माइनस फाइव एक्स बनाना है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा माइनस फाइव से, जब x को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस फाइव एक्स, और माइनस फाइव वन से माइनस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव, माइनस फाइव एक्स में से माइनस फाइव एक्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा जीरो, इसी तरह फाइव में से फाइव को माइनस फाइव में से माइनस फाइव को माइनस करेंगे तो जीरो, ठीक है, तो जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला वो है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, इसके अब हमें करेंगे फैक्टर, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फोर में जो किए थे हमने उसी तरह, तो इसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस में फोर एक्स माइनस फाइव, ठीक है, तो यहां पर कॉन्स्टेंट वैल्यू, यहां पर वन, वन और फाइव का मल्टीपल क्या होगा
5, ठीक है, और 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 मल्टीप्लाई में 5। इसको हम किस तरह से अरेंज करके माइनस 4 बना सकते हैं, तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं 5 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए माइनस 5, ठीक है, ये यहां पर 1 है, यहां पर माइनस 5, तो ये माइनस 5, और प्लस कर, प्लस या माइनस करने पर चाहिए हमें माइनस 4, तो अगर मैं 1 में से 5 को माइनस कर दूं तो आएगा माइनस 4, यानी कि हम माइनस 4x को किस तरह से लिखेंगे, x और 5x, x माइनस 5x, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 4x, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वेयर ही, उसके बाद माइनस 4x को हम किस तरह से लिखेंगे, x माइनस 5x, तो यह है x माइनस 5x, और लास्ट टर्म जो है माइनस 5, ये एज इट इज आ जाएगी। अब शुरू की दो टर्म्स एक्स स्क्वेयर और x, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेने के बाद अगर इन दोनों टर्म, इसमें से हमने x कॉमन लिया, यहां पर 2x है, यहां पर 1 ले लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा 1x, उसके बाद प्लस साइन आ जाएगा, और x यहां पर सिंगल x है, वो ही हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा 1। अब नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो सबसे पहले माइनस कॉमन, उसके बाद दोनों में 5 भी आ रहा है, तो 5 भी कॉमन। माइनस 5 कॉमन लेने के बाद इसमें से माइनस 5 कॉमन लिया तो बचा x, और यहां से भी माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1। तो दो फैक्टर्स यहां से हमने निकाल लिए, जो हो गए एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1, और एक हम पहले, दो फैक्टर्स तो यहां हो गए, एक हम पहले ही निकाल चुके हैं x प्लस 1 ये वाला, ठीक है। तो इसके तीन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है।